दोस्तों, एनजी एकेडमी में हूँ शामदीद। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट या शीट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना गूगल ओपन कीजिए ब्राउज़र। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पर आपके नाम के साथ यहाँ ये डॉट्स आ रहे हैं। जब आप इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास सारे सर्च, माई बिजनेस, मैप्स, ये पूरा मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपने ड्राइव ओपन करना है। तो ये आपने ड्राइव ओपन किया अपना। जैसे ही आपने अपना ड्राइव ओपन कर लिया तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप मोर पे जाएंगे तो एक और विंडो खुल जाएगी। यहाँ आपने गूगल फॉर्म्स को खोलना है। जैसे ही गूगल फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर ये आपका फॉर्म खुलकर आ गया। अब आप इसे टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे वर्कशीट भी बना सकते हैं। ये आ गया अनटाइटल्ड फॉर्म, आप इसे यहाँ टाइटल दे दीजिए, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं। अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई स्कूल है और आप उसके लिए बना रहे हैं तो आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए आप। तो आपने ये कस्टमाइज थीम पे करना है यहाँ पर, तो ये खुलकर आ जाएगा। यहाँ चूज इमेज, ये आपका आपके लोगो के लिए है जो बिल्कुल फर्स्ट पे आएगा। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे अपलोड पे आपने जाना है, ब्राउज करना है। इसके बाद यहाँ पर ये लोगो आ रहा है, मैंने इसे ओपन कर दिया, सॉरी थोड़ा नेट स्लो है। इसके बाद जैसे ही ये खुल जाएगा यहाँ पर जो आपने लोगो देना है, तो फिर हम इसे डन कर देंगे। तो ये हमारे बिल्कुल जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो हेडर है ये वो बन जाएगा। तो इस तरह आपने बना लिया। बाकी इसके आप सेटिंग में जाएंगे, सेट आपने करना है। ये सेटिंग आप ओपन कीजिए, यहाँ पे ये जनरल सेटिंग आ गई। कलेक्ट ईमेल एड्रेस अगर आपने करना है तो उसका अलग से वो शो करेगा कि लाजिम ईमेल भी स्टूडेंट का आपके पास हो। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, अब इसको आप क्लिक कर देंगे तो वो एक ही बार स्टूडेंट इसको ओपन करेगा तो एक ही बार वो इसका आंसर दे सकता है, वो दोबारा इसमें एंटर नहीं हो सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी यहाँ पर। तो ये आपने इसको सेव कर लेना है यहाँ पर, ये हो गई। तो ये है सेटिंग में चेंजेस। इसके अलावा सेटिंग में एक और चेंजेस है, यहाँ मैं बताती हूँ आपको। ये अगर ये प्रेजेंटेशन है, शो प्रोग्रेस बार, तो उसमें प्रोग्रेस आती रहेगी कि क्वेश्चन सही किया या नहीं। शफल कर सकते हैं आप क्वेश्चन के ऑर्डर को अगर आप करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इन्हें शफल करना चाहते हैं तो इसे टिक कर दीजिए, यहाँ चेक कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए जैसा है। इसके बाद क्विजेज हैं, ये यहाँ पे मेक दिस अ क्विज, क्योंकि ये मैंने क्विज बना है लिहाजा मैंने इसे टिक किया हुआ है। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन रिलीज ग्रेड्स, अगर उनको जितने भी मार्क्स दिए गए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। मिस्ड क्वेश्चन रिस्पॉन्स उसका भी आएगा, करेक्ट आंसर्स का भी आएगा, पॉइंट वैल्यूज भी आएगी। तो ये आपने ये सेटिंग में सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसे सेंड करना है। जब आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, लोगो डाल दिया, आपने क्विज बना दिया, सारे चेंजेस कर दिए, अब आपने सेंड करना है। सेंड करना है आपने लिंक अपना, जो ये आपके गूगल ड्राइव का है, आपने इसको ओपन किया। अब आपको स्टूडेंट्स को लिंक भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप इसे क्लिक कीजिए, ये आपका लिंक यहाँ आ गया। अब ये बहुत लंबा आ रहा है, लिहाजा आप इसे क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इतना शॉर्ट हो गया। शॉर्ट करके आपने इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये कॉपी करके ये हो गया कॉपी आपके पास। तो इस तरह आप इसको अपने मोबाइल फोन पे खोल लीजिए, इसी जो आपने भेजा है खुद को आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए इसे और स्टूडेंट्स को भेजते जाइए। जैसे ही वो खोलेंगे उनके पास ये आ जाएगा और वो इस क्विज को करके, तो देखिए पॉइंट वन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही पॉइंट दिया। इस तरह आप क्वेश्चन डिफरेंट डालते जाएंगे, पॉइंट्स देते जाएंगे, तो जितने भी पॉइंट्स आपने सेट किए होंगे उसका रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा जब स्टूडेंट्स इसे करेंगे। उम्मीद है कि मैंने इसे आसान तरीके से आपको समझा दिया है, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।